अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। गाइस आज हम बात करने वाले हैं फीमेल प्रॉब्लम पीसीओएस एंड पीसीओडीज, जो कि फीमेलों में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। एक इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं या इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज भी कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम है क्या एंड इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी बीमारी को ठीक करने से पहले उस बीमारी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उस बीमारी के बारे में पता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंड जल्दी से जल्दी आप उस बीमारी को रिकवर कर सकते हैं। बट अगर आपको उस बीमारी के बारे में पता नहीं है कि वो बीमारी है क्या, कैसे हुई, तो आप उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाएंगे। मेडिसिन लेके आप कुछ टाइम के लिए उसको रोक सकते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए आप मेडिसिन नहीं ले सकते। तो लॉन्ग टर्म में आपने खुद से ही उस बॉडी के, उस बीमारी के अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, अपनी बॉडी को सपोर्ट करना है कि वो उस बीमारी से आपको छुटकारा दिलाए। क्योंकि बस आपकी बॉडी ही है जो किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, बट उसके लिए आपने बॉडी को सपोर्ट करना है। अब बॉडी को कैसे सपोर्ट करेंगे वो आपको वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या है एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज क्या है। तो पॉलीसिस्टिक अगर हम बात करें, देखिए पॉली मतलब ज्यादा, पॉली मतलब ज्यादा, ज्यादा क्वांटिटी, मतलब कोई भी चीज जब ज्यादा क्वांटिटी में होगी। सिस्टिक मतलब सिस्ट, ओवरी मतलब ओवरी के अंदर, जब ज्यादा मात्रा में सिस्ट, सिस्ट आपकी ओवरी के अंदर, जो फीमेल्स की ओवरी है ओवरी के अंदर जब ज्यादा मात्रा में सिस्ट बढ़ता है तो उसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो आप इसको कैसे समझते हैं कि, एंड आपको ये भी बताऊंगा कि ये होती कैसे है, ठीक है? तो ये आपने, ये पिक्चर आपने देखी होगी बचपन में, आपने साइंस में पढ़ा होगा एंड इस पिक्चर को आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये यूट्रस है, यूट्रस जिसको कहा जाता है वॉम। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्यूब है जो कि यहाँ पे ओवरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? इसको ओवरी कहा जाता है, यहाँ पे इसको ओवरी कहा जाता है। एंड यहाँ पे ही जो फीमेल एग है वो बनता है, वो उसकी प्रोडक्शन यही पे होती है। अब क्या होता है कि हर महीने जो फीमेल है वो एक एग प्रोड्यूस करती है जो कि अच्छी तरह से मैच्योर होके यहाँ से बाहर आता है यूट्रस की ओर, ठीक है? तो अब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि आपकी इसको प्रोड्यूस होने में हॉर्मोन्स का काम हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपके माइंड से आपके ओवरी को सिग्नल मिलती है कि आप कितने एग्स प्रोड्यूस करो, कब प्रोड्यूस करो, तो ये सब जो हार्मोनल सिग्नल सिस्टम है, जब आपका वो सिग्नल सिस्टम खराब होता है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ओवरी है ये ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। जब ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है तो इसे क्या होता है कि वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते हैं। जब ये मैच्योर नहीं हो पाते हैं अच्छी तरह से तो इसका क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा जो एग्स है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती है आपकी ओवरी के अंदर। एंड जो हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड्रोजन जो हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर, जो मेल हार्मोन है, मेन मेल हार्मोन है एंड्रोजन, वो भी आपकी जो फीमेल बॉडी में कुछ अमाउंट में पाया जाता है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पे जो एंड्रोजन हार्मोन है जो कि मेल हार्मोन है उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो लेवल है वो बढ़ती है और वो यहाँ पे जो एग्स हैं इनको यहाँ से बाहर नहीं निकलने देता, वो यहाँ पे एग्स को होल्ड करता है, जिस वजह से जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आती है यानी कि आपकी ओवरी का साइज है वो बढ़ता है। एंड जो एग्स हैं इनफर्टाइल, जिनको इमैच्योर एग्स कहा जाता है, वो पास नहीं हो पाते हैं। तो इसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। जब आपकी ओवरी के अंदर जो सिस्ट हैं यानी कि जो ये एग्स हैं इमैच्योर एग्स हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। ये क्यों होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, यानी कि बॉडी के अंदर एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ये सब जो सिग्नल सिस्टम कमज़ोर होता है, सिग्नल सिस्टम सही से काम नहीं करता है, तो यहाँ पे जो ओवरी है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करती है बट वो मैच्योर सेल्स नहीं हो पाते हैं, जो एग्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, यहाँ पे जो साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब होता है,
मेल हार्मोन एंड्रोजन ज्यादा बढ़ता है, एस्ट्रोजन कम होता है, तो उस वजह से जो एग्स हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, तो इसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। एंड इसके जो काजेस हैं, इसको जो सिम्टम्स हैं, आपने देखा होगा कि जो वुमेन के फेस पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता कैसे है, क्यों होता है एंड कैसे होता है, क्योंकि आपने देखा इस बीमारी के जो जिम्मेदार हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब हम बात करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता कैसे है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे जो रीजंस हैं वो एक तो बैड लाइफ स्टाइल है, ठीक है, एंड सेकंड क्या है कि बैड स्लीपिंग साइकिल, नो एक्सरसाइज, एंड जो सबसे जो मेन कॉज इसको बताया जाता है, सबसे जो मेन कॉज जिससे आपका जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है यानी कि PCODs होते हैं, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन भी प्रॉपरली काम नहीं करता है तो वो भी मेन काज बताया जाता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन ज़्यादा बढ़ता है, इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन है उसको स्पाइक करता है, उसको फीड करता है, एंड इसकी जो लेवल है वो बढ़ने लगती है, जिसे आप PCODs के शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम बैड लाइफस्टाइल की बात करें, देखिए बैड लाइफस्टाइल मतलब कि आपका लाइफस्टाइल अगर सही नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि लाइफस्टाइल क्या होता है, लाइफस्टाइल होता है कि आप क्या खाते हैं, आप कितना खाते हैं, आप कब खाते हैं, आप उठते कब हैं, सोते कब हैं, क्या काम करते हैं, ये आपका लाइफस्टाइल है। कि आप ज़्यादा काम तो नहीं करते हैं, या आप ज़्यादा बैठते तो नहीं, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करते, आप सोते कब हैं, क्या आप जो स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग साइकिल जो आप करें क्या वो सही है, अगर वो डिस्टर्ब है तो उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अगर आप नॉन एक्सरसाइज मूवमेंट भी नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको उससे भी हो सकती है। एंड अगर आप कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं, दिन भर आप बैठे रहते हैं, ज़्यादातर आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, दिन में सोते हैं, रात को फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, तो ये भी कारण हो सकता है इस बीमारी का। एंड इसके अलावा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी कि मेन, इसको हम मेन बोल सकते हैं, इसको मेन कॉज बताया जाता है PCOs एंड PCODs का। तो इंसुलिन का क्या काम है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन का क्या काम है। जब हमारी बॉडी के अंदर हम कोई भी चीज़ खाते हैं, हमें ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ती है या कम होती है, तो वहाँ पे हमारे जो पैनक्रियाज हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। पैनक्रियाज जब इंसुलिन रिलीज करता है तो वो ग्लूकोज को मैनेज करता है, ठीक है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है कि ग्लूकोज कहाँ पे ले जाना है, कितना अपने फैट में कन्वर्ट करना है, या एक एक सेल तक ग्लूकोज को पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्या है, जब आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं उन पे जो इंसुलिन का काम नहीं हो रहा है, यानी कि इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो पैनक्रियाज जो है ये ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। अब जब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसे क्या होता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन है इसकी लेवल बढ़ती है। अब जब एंड्रोजन हार्मोन लेवल की लेवल बढ़ती है तो ये आपको ओबेस भी बनाता है, ये आपकी बॉडी के अंदर वेट गेन करवाता है, आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा बढ़ता है, एंड आप इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इसकी जो काज है वो आपका लाइफस्टाइल भी है, आप अगर आपका स्लीपिंग साइकिल सही नहीं है तो ये भी उसका काज है, और नॉन एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते तो इससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इंसुलिन, अगर आपका इंसुलिन डिस्टर्ब है तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है,
एंड आपकी ओबेस, अगर आपकी आप ज़्यादा ओबेस हैं तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात कहें कि ये सारे जो आपने चीज़ें देखी हैं, ये सब इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि ये बीमारी आपको इन्हीं वजहों से होती है कि आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप गलत चीज़ें खाते हैं, आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो अच्छा नहीं है। तो ये सारे जो काजेज हैं, अगर आपको ये पता चल गए हैं तो अब आपको सिंपली पता चल गया होगा कि हम किस तरह से इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है, आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है कि अगर आपका लाइफस्टाइल बैड है तो इसको गुड करना है, ठीक है। सिंपली अगर आपका बैड स्लीपिंग साइकिल है तो इसको गुड करना है। अगर आपका नॉन एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते तो आपने एक्टिविटी करनी है, आपने एक्टिविटी करनी है 40 to 50 minutes आपने एक्टिविटी करनी है एक दिन भर में। एंड इंसुलिन को आपने ठीक करना है, आपका मेटाबॉलिज्म जो डिसऑर्डर हुआ है उसको ठीक करना है, उसके लिए आपने काम करना, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसको ठीक करना है। जब आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को जब आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस वो ठीक हो जाएगा, आपकी जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है ये भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो सब डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, बैड है, तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड इसके भी मतलब ये जब आपकी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम होगी तो इसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो ये कुछ इसके बारे में था जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता चल भी गया होगा कि हम किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। आपने अपनी डाइट को फोकस करना है, आपने अपनी जो डाइट है इस पे आपने फोकस करना है। प्रोटीन कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो आपने लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, माइक्रो मैक्रो एक एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तभी आप इस बीमारी से रिकवर कर पाएंगे। तो ये कुछ था PCOD, होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करना एंड YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना हमें। थैंक यू।